यही है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है ज्यादा यूजफुल होता है जो जो जमीन अनइवन होती है, मतलब इस तरह से उबड़ खाबड़ होती है, उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम नाली के थ्रू पानी डालेंगे तो वो नाली कहीं पर जा सकेगी, कहीं पर नहीं, और अगर नाली बना भी दी तो पानी कहीं उबड़ खाबड़ जमीन है वहाँ पे नहीं चढ़ेगा। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, इस तरह से पाइप लगा देते हैं और पाइप के ऊपर नोजल लगा लेते हैं और ये नोजल से पानी ऐसे ऐसे फुवारे के फॉर्म में सारे खेत में चला जाता है। तो ये जो पाइप है एक बार उठा के किसी जगह पर दूसरी बार दूसरी जगह पर जहाँ पे उबड़ खाबड़ जमीन है वहाँ पर भी लगाई जा सकती है और पानी पहुंचाया जा सकता है। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम में क्या होता है, जब आप लोग बीमार होते हो तो आपको ड्रॉप ड्रॉप करके ग्लूकोज दिया जाता है, उसी तरह से फील्ड में ये ड्रिप सिस्टम होता है। तो इसमें पानी ड्रॉप वाइज पोजीशन जो रूट की पोजीशन है वहीं पर गिरता है। तो हमें पता है कि प्लांट को अब इतना पानी चाहिए था, हमने उतना ही उसे ड्रिप सिस्टम से दे दिया, तो इससे इकोनॉमिकली हम उसे पानी को यूज कर रहे हैं, मतलब उसे दे रहे हैं। तो ये ड्रिप सिस्टम जो होता है इसको इसी वजह से ड्रिप कहते हैं, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डलता है पेड़ पेड़ की जड़ में, और ये बेस्ट टेक्निक मानी गई है, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड से प्रोटेक्शन किस तरह से मिलता है, अनडिजायरेबल प्लांट जो होते हैं जो क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं वो वीड कहलाते हैं, तो इनको रिमूव करना होता है, उस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं, रिमूव करने की प्रोसेस को। जो बेस्ट टाइम होता है वीड का रिमूव करने का वो तभी होता है जब उस पर फ्लावर नहीं आए हो, उस पर सीड नहीं बना हो, ठीक है। अगर उसमें सीड बन गया और उसमें फ्लावर आ चुके हैं तो उससे खतरा होता है कि जो आप पौधे उखाड़ रहे हो उसका सीड गिरकर वो दोबारा से वहाँ पर जर्मिनेट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपकी मेहनत भी ज्यादा लगेगी और कुछ फायदा भी नहीं होगा। वीडी साइड कंट्रोल, वीडी साइड यूज होते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे 2,4-D आप याद कर सकते हो, ये कंट्रोल करता है।